मैं बार बार सावधान कर रहा हूं। हाँ, इसके बाद चश्मा वाला लगा जी खड़े हो जाए। लिफाफा आपने लुटाए उनके नंबर चालू हो गए हैं। वोटिंग अब बराबर चलेगी दोनों लेने, लेकिन मंजिल पूरी करूंगा, आवश्यकता पड़ी तो पर्चा और भी बांटूंगा, और 107 नंबर मेरे हाथ में है। डायल नंबर 107 पास में आई है। भाई साहब पास में आइए, माइक उठाइए। आप बैठना है, जाना नहीं है, कुछ पर्चा नहीं बनवाना, नहीं बनवाना हो तो बनवा लो, तो मेरे आओ आशीर्वाद है, मस्त रहो। हम तो चाहते ही हैं कि टांग टांग फिस हो जाए। नहीं पूछ के देखो ना बता पाए, और फिर आप लोग तुम दिखा के दिखा दो अपने इस्तेमाल पे, तो आशीर्वाद है। खूब लंबी आई हो, परिवार की उन्नति हो, तुम्हारे चैनल का नाम हो, और सत्य दिखाते रहना, मेरा आशीर्वाद है। बोलिए पंडोगर सरकार की। हाँ भाई साहब, ये लिफाफा आपको कैसे मिला था जी? नमो नारायण सर। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। मैं नांगा बाबा स्वामी पथिकजी महाराज जी का शिष्य। ये लिफाफा कैसे मिला था आपको? ये हमको पत्रकार से मिला। कौन से पत्रकार ने दिया भाई? ये तो सर हमें नहीं पता है। ये पहचानो, एक वो खड़े 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 जी, शायद ये थे भाई। अच्छा अच्छा, पर्ची कट भाई जी? जी नहीं कटा, तो नहीं तो सत्य है, तो सत्य है। अरे कोई बात नहीं, टेंशन नहीं, इसलिए होता ना कि फ्री में चले जाए, नहीं ना मिले कछु तो टेंशन है। नहीं नहीं ऐसा। हाँ तो बताओ क्या बात है? सबसे पहला तो मेरा अनुरोध ये है, आपने इनने आपको डाउट हो कि इनसे आपने मांगो तो? हमने सर मांगा था। आपने मांगा और दे दिया आपको? जी दे दिया। अरे वाह, ये भगवान की कृपा। चल को नमो नारायण, नमो नारायण, नाराज जी की कृपा है जी। बोलो क्या चाहिए? सर मैं तो महाराज जी, पहले तो भक्ति कम ना हो मेरी। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर विवेक निगम हूँ। आपने बताया तो नहीं किसी को? नहीं। डॉक्टर विवेक निगम नाम है, ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करेंगे, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। आपने आके किसी को बताया था क्या? नहीं नहीं बताया है। आप बताओ इनको डॉक्टर विवेक नारायण नाम कैसे पता मना, और इनने तुमको ही क्यों चुना? इसी का नाम है पंडोखर सरकार। लीजिए, हमने ये मंत्र लिखा है, इसको नियम से करना पड़ेगा, पढ़िए, पकड़ेंगे नहीं साहब। ओम हीम सत, ओम रीम सत्य है, ओम ही सत्य है, ईश्वर ही ब्रह्म है, दूसरा संसार में कोई नहीं है। सोहेल साहब जी, कहने का सुन जी? सोहेल साहेब जी। जय जय श्री राम। सीताराम, जय सीताराम। लिखा है कि नहीं? जी लिखा है सर। इसलिए आप लोग ध्यान दें और चलते हैं दरबार की पर्ची की ओर। जी थोड़ा पूरा नाम क्या आपका? मैं डॉक्टर विवेक कुमार निगम कालपी से आया हूँ। साहब मैंने निगम नहीं लिखा, इसके लिए सॉरी है साहब, लेकिन डॉक्टर विवेक नारायण लिखा है कि नहीं? ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करेंगे, ये लिखा गया नहीं? और भक्ति प्राप्त की कामना करेंगे, बताओ लिखा गया नहीं? और बताएं 2000 कब तक लिखा भैया? 2024 और 28 तक भगवान हरि का दर्शन होगा। देखना चाहें तो दिव्य दर्शन अभी भी हो सकता है। Yes!
मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक बार आंखें बंद करिए, एक बार मुझे देख लीजिए, आ जाओ शरण में, कल्याण हो जाएगा। जय श्री राम। मस्त। थोड़ा सा अनुरोध है, बोलिए। मेरे दामाद और बेटी दोनों बहुत अच्छे हैं, आपके आशीर्वाद से सुखी रहेंगे, मिलकर सर्विस थोड़ा सा और अच्छे चलेंगे, उनको ध्यान होगा हमारा आशीर्वाद, बेटी हो जाएगा। अच्छा, दामाद बेटी मिलके चलेंगे, जॉब में होंगे, ठीक है, और जॉब लला भी हो जाएगा। माइक नीचे रख दो। बोलिए पंडों का सरकार की। बस अब भैया आप ज्यादा डिस्टर्ब नहीं, आपने दिव्य दर्शन कर लिया है, गुरु जी का कोई करता नहीं है, तो मैं नीचे उतरते ही याद भूल जाएगी सब। यादाश्त सुन लो, क्योंकि यादकार क्षेत्र में नहीं है। अब पूछ लीजिए, ये नहीं बता पाएंगे मैंने इनको क्या दिखाया था। परम पूज्य सदगुरु भगवान श्री हाथीवान मन का संकेत है, ये मैं नहीं करता, ये हो जाता है। मुकेश जी चर्चा ना करें, ये चर्चा का विषय नहीं है, ये परिचय का विषय है। शांत बैठो।